हाय गाइस, सो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ग्राफिक एरा जो कि देहरादून में आया है और शानदार कॉलेज आ रहा है, एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आएगा जो खबर है मिली है। और नीचे 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 और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोशिश मैं करूँगा आपको दिखाने की जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा, पर अब मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस वाले गार्ड वाले हमेशा एनकरेज करते हैं कि ना दिखाया जाए ना वीडियोग्राफी की जाए। तो जितना भी है बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत, और फिर आपको बताता हूँ बाकी डिटेल्स एक बार बाहर निकल जाए। तब तक आप नज़र मारिए, देखिए क्या चीज़ बनाई है। चलता अस्पताल है, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑलरेडी अ रनिंग हॉस्पिटल और लोग अभी भी नज़र आ रहे थे। ये देखिए गाड़ी एम्बुलेंस, मतलब कैंपस जिसे कहते हैं। और थोड़ा सा आपको मैं इसको ज्योग्राफी का भी आइडिया दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो जैसा मैंने कहा, ब्रॉडली स्पीकिंग एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आया है, 22 लाख रुपए साल की फीस दी गई है नॉर्मल सीट के लिए और 85,000 $ पर ईयर सीट मिलेगी। NRI 15% NRI सीटें होंगी। तो उत्तराखंड के अंदर पहला MCC वाला कॉलेज आएगा। अब आप देखिए, आपको दूसरी तरफ से भी दिखाएंगे। पुराना अस्पताल है, 2 साल हो चुके अस्पताल को खुले हुए और कॉलेज अभी बन रहा है, मगर वो अभी 10% कंस्ट्रक्शन बची है। तो जब तक आप बच्चे लोग आएंगे यहाँ पे, आई थिंक कंस्ट्रक्शन वुड बी कम्प्लीटेड। और चूँकि बिल्कुल नई नगोर कंस्ट्रक्शन है, तो जो हम अमृता फरीदाबाद का लुक देखते हैं वैसा ही आएगा। तो फिर से क्विकली समरी, ग्राफिक ही रहा, नॉर्मल सीटें 22 लाख पर ईयर, हॉस्टल मिला के 1,15 का पैकेज आएगा। और जो आपको देखिए दूसरे एंगल से दिख रहा है, अब मैं गाड़ी घुमा लूँगा थोड़ी देर में, तब फिर दूसरे एंगल से भी देंगे। और ये वही रोड है जो आप सामने नज़र आ रही है, जिस रोड के ऊपर गौतम बुद्ध है। तो ऐसा करता हूँ गौतम बुद्ध तक जाता हूँ और फिर यूटर्न ले लूँगा, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। तो ये रोड, इसको हम चक्राता देहरादून रोड बोलते हैं। यही रोड पीछे पोंटा साहब की तरफ भी जाती है, अम्बाला जिसको बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध से, मतलब देहरादून की तरफ से निकलेंगे तो गौतम बुद्ध से जरा सी आगे है। तो बोले गौतम बुद्ध के बोर्ड हमें नज़र आ ही रहे हैं। अब गौतम बुद्ध जिसको खुले 4 या 5 साल हो गए, उसके मुकाबले जो उसका इंफ्रा है, कैंपस है बहुत अच्छा, और जो लोकल लोगों ने बताया कि ऑलरेडी इसमें जो पेशेंट है वो गौतम बुद्ध से ज़्यादा है, ठीक है जी। अब गौतम बुद्ध, जॉली ग्रांड, गुरु राम राय, वो तो उत्तराखंड काउंसलिंग में आते हैं। ये है, ये MCC काउंसलिंग में आएगा, 22 लाख रुपए साल की फीस लेगा, NRI की $85,000 लेगा, बहुत ज़्यादा है। हमने बात की कि कुछ कम करोगे, कहते जी करेंगे, लेकिन फैसला अगले 2-3 दिन में होगा। फिर हमने मजाक में कहा कि सर 2 दिन में तो काउंसलिंग शुरू होने वाली है, आपकी फीस ही फाइनल नहीं है। कहते जी सब कुछ कर रहे हैं। वो तो होता है ना कि टू मच वर्क प्रेशर। तो मैंने कहा जी इंडियन रुपीज में लोगे कि डॉलर्स में लोगे? कहते जी फिलहाल तो ये प्लान है कि डॉलर्स में लेंगे। हाँ, $85,000 पे डिस्काउंट शायद दे देंगे, लेकिन फीस डॉलर में लेंगे। तो डॉलर में क्या बचेगा अगले 2-3 दिन में पता चलेगा, तो सोम मंगल तक पता चलेगा कि असली में भाई क्या फाइनल फीस रहेगी। NRI सीट की नॉर्मल पक्का है 22 लाख रुपए। ग्राफिक एरा में हमेशा आपको समझाता हूँ, इसे वेरी बिग ओल्ड ब्रांड, मतलब उत्तराखंड के अंदर इनकी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक क्लेमेंट टाउन जगह है जहाँ बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, जिसको हम गौतम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ग्रुप। तो कई बार लोग कहते हैं सर पहला साल है, फिर मैं ये समझाता हूँ, मैं कहा भाई पहला साल तो है, बट पहला साल किसका है वो हमें हमेशा देखना चाहिए कि पहला साल अमृता का है, पहला साल कस्तूरबा का है, या पहला साल किसी लोकल कॉलेज का है जो लोकल ब्रांड ने खोला है। जिस तरह से हम सुन रहे हैं, कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के हर कोने में खोलने की, और मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया जो कि कहने को PPP पार्टनरशिप में है, अजय सिंघाल वो शामली कराना वाला, बट यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ दोज टू कैंपसेस। तो कभी कभार फर्स्ट ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि कुछ कॉलेज 6 साल बाद भी वैसा नहीं बन पाते। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है, और मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट ईयर में सबसे नेगेटिव चीज़ होती है, सबसे नेगेटिव उसमें भारती आ गया गौतम बुद्ध। आज आपको ये दिखाऊंगा नहीं, यहीं से यूटर्न मार लेंगे, ठीक है। तो मैं रोड दिखाना चाहता था कि यही रोड है जो सीधा देहरादून शहर जा रही है। अभी जो मेन शहर है वो 8 किलोमीटर दूर है, बट वी आर स्टिल इन देहरादून,
मतलब जो पिन कोड है हमारे करंट लोकेशन का, ये देहरादून ही है। हम कोई ऐसा नहीं है कि वो देहरादून के बाहर है, मतलब 14 किलोमीटर घंटा करके है, क्योंकि चलो कहने को है कि एक सेंटर पॉइंट है देहरादून शहर का, वो यहाँ से भी 14 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए हमारे राइट में सुभारती आ गया, इसमें भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी की गई है। साल बाय साल चीज़ें तो देखिए बदलती ही हैं, लेकिन जो खबर है वो यही है कि पेशेंट फ्लो आज भी सुभारती में कम है। उसका मैं हमेशा आपको एक बेंचमार्क देता हूँ ना कि हॉस्पिटल के आसपास कितने केमिस्ट्री शॉप्स हैं, या हॉस्पिटल के बाहर और अंदर कितनी एम्बुलेंस खड़ी हैं। अब ग्राफिक गेरा का तो आपने कैंपस देखा ही लिया, वो तो बिल्कुल अमृता मतलब उस लेवल के कैंपस है, जॉली ग्रांड के लेवल का। उसके मुकाबले ये जो है ये अभी गौतम बुद्ध वैसे ही है कि जैसे हम कहते हैं एक छोटा कॉलेज, उसके मुकाबले ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल छोटा है। ये आपको यहाँ से गौतम बुद्धा भी नज़र तो आई रही है साइड से, अभी किसी का सेक्शन चालू है। अभी शाम के 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजे के टाइम में हम देखते हैं गौतम बुद्धा की हलचल। ये हम गौतम बुद्धा के फ्रंट गेट से निकलेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर और भी कोर्सेज होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखिए किस तरह से गेट बंद कर रखा है। एंट्री करते समय पूछते हैं कि क्यों घुसना है आपने। ये राइट में देखिए एक खंडूरी मेडिकोज है, एक आध खाने पीने की दुकान है, अंदर क्या पता एम्बुलेंस खड़ी हो, बाहर तो कोई नहीं है। तो वही मैं कहता हूँ कि फील नहीं आती कि कोई चलता हुआ अस्पताल है। और अब वापस से हम आपको ग्राफिक जरा बाहर से दिखाएंगे, अंदर से तो जितना दिखा सकते थे दिखा दिया। मैंने आपको कई बार बोला कि वीडियोग्राफी की परमिशन मिलती नहीं है, मिले थे हम इनकी एडमिशन इन चार से, तो उन्होंने सारी जानकारी दी कि 22 लाख की फीस है। अब तो लोग कहते हैं सर पहला साल है, जो बात रह गई थी, तो जिस तरह लोग अमृता के पीछे आए थे, आई थिंक जो भी इस कॉलेज को विजिट कर रहा है चाहे मेरे क्लाइंट हो या ना हो, उन्होंने इमीजिएटली इसको नॉर्थ इंडिया में बहुत ऊपर रख दिया है। और जॉली ग्रांट की तो चलो बात अलग है, जॉली ग्रांट हो, लेकिन बिकॉज ऑफ क्वालिटी, चूँकि अमृता भी नया है, आई थिंक इट विल बी इन कंपटीशन विद अमृता। और हमें पता ही है कि अमृता की लास्ट कट ऑफ लास्ट ईयर क्या थी, यू नो इट वॉज ओवर 450, वो भी लास्ट ईयर के हिसाब से। इस साल तो उसके हिसाब से 500 प्लस है। तो मेरी रीडिंग, मुझे पता है कई लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा और ग्राफिक गिरा वालों को भी नहीं अपने आप पे विश्वास होगा, लेकिन आई थिंक 300 मार्क्स प्लस जाएगी। देखिए भाई जो शहर का माहौल है, जो एवरीथिंग एल्स आपको नज़र आती है, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ मैं भी तो एक पेरेंट ही हूँ ना। मेरी बेटी ने चलो मेडिकल नहीं लिया था, पर अभी 12th पास की है और लाइक ए गुड करियर काउंसलर। मैं आपको बताऊँगा कभी फिर फुर्सत में किसी और वीडियो में कि कैसे उसको बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए इंडिया का टॉप कॉलेज मिल गया है। लेकिन ये देखिए आ गया। तो अगर मुझे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने हैं लेट्स से साधोपुर के लिए, और 1.15 करोड़ खर्च करने हैं ग्राफिक गीता के लिए, तो जनरली स्पीकिंग आई विल चूज दिस ऑप्शन बिकॉज ऑफ द जस्ट द इंफ्रा क्वालिटी एंड एवरीथिंग एल्स क्वालिटी एंड द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। और वो भी नया है, ये भी नया है, तो वो बात तो है नहीं कि मेरे को जॉली ग्रांड का एलुमनाई नेटवर्क मिल रहा है या गुरु राम राय का मिल रहा है। ओके, तो जब वो भी नहीं मिल रहा तो फिर 1 साल पुराना हो या 1 साल का हो, ब्रांड सॉलिड है। ब्रांड साधोपुर भी सॉलिड है, अमृता फैजाबाद तो महा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो जब मैं शहर की लोकेशन और बाकी सब चीज़ें देखता हूँ, पेशेंट फ्लो तीनों में ही कम है इस समय, बल्कि तीनों में शायद हाईएस्ट इसमें मिलेगा हमें। और रहने का सुख है, मौसम का एडवांटेज है, बाकी सब चीज़ें हैं वो ग्रेट है ही। तो जनरली स्पीकिंग जो इस समय साधोपुर 20 साल की कट ऑफ की उम्मीद है, सेम इसकी मैं कह सकता हूँ। तो 210 या 220 वाले अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो मत लगाइए। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, द कट ऑफ विल बी इन अपवर्ड्स ऑफ 300। ये राउंड फिगर बोल रहा हूँ, अब 10-20 ऊपर नीचे देखिए हो सकता है कि 280 मार्क्स पे मिल जाए, 275 मार्क्स पे मिल जाए, लेकिन ब्रॉडली रहेगा ये 280। ओके, और अब फिर से देखिए एक ग्राफिक गिरा का एक और लुक साइड पे, लुक एट द साइज एंड लुक एट एवरीथिंग। चलती रोड है तो मैं गाड़ी रोक नहीं सकता क्योंकि 2 लेन की रोड है, और ये भी मेन रोड है जैसे मैंने आपको बताया। तो ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल लोकेशन, नाइस वेदर, आई थिंक वेरी टफ कॉम्पिटिशन। फीस विल नॉट बी अ मैटर, जिसको अगर 1-1.5 तक खर्च करता है बंदा तो 1.15 भी कर ही देता है। तो ग्राफिक गिरा की ऑप्शन, लाइक जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी लोगों को समझाया था, लोग एजेंट कह रहे थे कि 250 नंबर पर अमृता मिल जाएगा,
और ऐसा कुछ नहीं, ये देखिए सामने से जरा फ्रंट लुक देखिए आप तसल्ली से, लुक एट द साइज, लुक एट द लुक, लुक एट द ओवरऑल साइज, बिल्कुल अमृता फरीदाबाद बन जाएगा 3 महीने बाद इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड स्टफ। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और उसके हिसाब से इट इज गोइंग टू डू वेरी गुड। ओके, सो दिस इज विवेक गुप्ता bringing to you another good North Indian College graphic era. Have a nice day, bye bye. You know, if you want to contact us, look at the description of the YouTube video. Okay, have a nice day, bye bye, take care.